कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यस बैंक में जनता का पैसा जमा करवाने के लिए हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार के पास किसानों को फसल का मुआवजा देने के लिए 100 करोड़ रुपया नहीं और डूबते बैंक में जमा कराने के लिए 1000 करोड़ रुपया उपलब्ध था। अब आदरणीय खट्टर साहब को ये बताना है, जब बैंक डूब रहा था, जब लोग अपना पैसा निकलवा कर भाग रहे थे, तो हरियाणा की जनता का 1000 करोड़ रुपया आप उस बैंक में क्यों डाल रहे थे? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? किसने वो पैसा खाया? कैसे वो पैसा डूबा? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर सत्ताधारी लोग नहीं तो खट्टर साहब चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये भी बताएं कि कितने हजार करोड़ रुपया और है इसके अलावा जो हरियाणा की जनता का वहां डूब गया है। किसान के लिए तो 100 करोड़ देने के लिए नहीं है, डूबते हुए बैंकों में आप 1000 करोड़ रुपया डालने लग रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? रणदीप सुरजेवाला रविवार को विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने कैथल हलके के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए आए थे। रणदीप सुरजेवाला ने बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा खसरा गिरदावरी करवाकर तुरंत देने की मांग की। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे हरियाणा में खड़ी फसल नष्ट हो गई है, वो गेहूं की फसल हो, वो सरसों और चने की फसल हो, वो सब्जी पैदा करने वाला अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत का किसान हो, सब्जी में 100% नुकसान है, कणक की फसल में 50% से 80 पैसे का नुकसान है, चने और सरसों के अंदर 70 से 80 पैसे का नुकसान है। खट्टर साहब मुख्यमंत्री होते हुए भी एक शब्द नहीं बोल रहे। हमारी ये मांग है कि 15,000 रुपया किल्ला कम से कम फौरी तौर से अगले एक हफ्ते के अंदर किसान को मुआवजा दिया जाए, और जहां जहां मालिक अलग है और काश्तकार अलग है, वो मुआवजा काश्तकार को दिया जाए। इलाके से चुने गए भाजपा और जेजेपी विधायकों पर कटाक्ष करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये अपनी भी मिट्टी खराब कर रहे हैं और इलाके की भी। एक एमएलए उनका ये अपना है बबली देविंदर पड़ोस में अपने आ गया तो हाँ है वो एक तो है भाई साहब, ये तो बड़ी गलती है, यहाँ तो मुझसे नहीं पूछ रही कोई। विधानसभा में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, पड़ोस से ईश्वर सिंह जी ने भी कह दिया, मुझे पूछ रही कोई नहीं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जो यहाँ वाला एमएलए वो भी बोल गया, नहीं बोले तो बताओ भाई बने क्यों थे? खुद की भी माटी पीट रहे, लोगों की भी माटी कूट रहे हैं, इलाके की भी माटी कूट रहे हैं, फायदा क्या है? जो बड़े नहीं दिखते और क्यों ऐसे लोगों को करती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यस बैंक के घोटाले के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।